नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। झारखंड कैडर के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अमित खरे को पीएमओ में प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। अमित खरे 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ये नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हुई है। वो 30 सितंबर को सचिव के पद से रिटायर हुए हैं। उनके कार्यकाल में केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई थी। अमित खरे की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब पीएमओ से पीके सिन्हा और अमरजीत सिन्हा जैसे दिग्गज सेवानिवृत्त अधिकारियों ने अपना पद छोड़ा है। खरे 30 सितंबर को शिक्षा मंत्रालय में सचिव पद पर रहते हुए आईएएस सेवा से रिटायर हुए हैं। करीब 36 साल का उनका नौकरशाह के रूप में कामकाज काफी बेदाग माना जाता है और वो लो प्रोफाइल रहकर हाई प्रोफाइल काम करने वाले अफसरों में गिने जाते हैं। माना जा रहा है कि उनके इसी बैकग्राउंड को देखते हुए मोदी सरकार ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार का पद सौंपा है। आपको बता दें, अमित खरे ने अपनी विशेषज्ञता और अलग अलग क्षेत्रों में व्यापक अनुभव के साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। उज्ज्वल योजना में भी योगदान दिया। उन्होंने दिसंबर 2019 में शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। उसके बाद थोड़े समय के अंदर ही कैबिनेट की तरफ से 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई थी। अमित खरे ने बहुचर्चित चारा घोटाले का भी पर्दाफाश किया था, जिसमें आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को जेल जाना पड़ा था। चाईबासा उपायुक्त रहते हुए उन्होंने चारा घोटाला मामले में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। इसके बाद से ये मामला सुर्खियों में आया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।